हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। अपने घर पर आ गई हूँ, 10:30 बजे आई थी, 15 मिनट अभी 11:15 हो रहे हैं। कुछ कपड़े वपड़े इधर उधर रखे थे, उन सबको अलमारी में रख रही थी। अपने घर पे इसलिए सुबह जल्दी आ गई फ्रेंड, क्योंकि ना रात में आधी रात के बाद ना मेरे को इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी, और हो जाती है मेरे को ना 2-4 दिन में कभी ऐसा होता है ना कि मेरे को हो जाती है एलर्जी, और वो दवाई घर पर थी तो कैसे भी करके रात को तो मैंने काट लिया। मेरी नाक भी पूरी सूज गई है अंदर से, इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। फिर घर पे आई, सुबह उठ के चाय वाय पी अम्मी के घर पे, फिर अभी घर पे आई हूँ। तो बस सबसे पहले मैंने दवाई डाली है नाक में, एक दवाई आती है मेरे पास है, वो मैं यूज़ करती हूँ, वो दवाई नाक के अंदर डाली है। एक टैबलेट थी वो गोली खाई है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करी ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँ, ब्लॉग स्टार्ट करना है, वरना मैं ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी, इतनी ज़्यादा छींक नाक से पानी आ रहा था, आँख से पानी आ रहा था। तो अभी थोड़ा अल्लाह का शुक्र है दवाई खाई है, थोड़ा सा आराम मिला है, तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अम्मी के घर से अभी आ गई, रात को तो वहीं सोई थी, रात को अपने घर पे नहीं आई थी, मैं वहीं रुक गई थी साथ की जिद की वजह से। तो बस अभी थोड़ा सा कुछ काम है, वो मैं काम करके फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है, क्या है अभी मुझे कुछ नहीं पता। अभी तो फिलहाल मैं अपने घर पे थोड़ा सा बैठती हूँ कि कहीं पे भी घूम लो, दुनिया के किसी भी कोने में होके आ जाओ। शादी के बाद ना वो मज़ा भी नहीं आता अपने माँ बाप के घर पर जो अपने घर पर आता है फ्रेंड। भले से रेंट का घर है, खैर कोई नहीं, लेकिन अपना घर भी होता है। कहीं पर भी होके आ जाओ, किसी भी बहन के घर होके आ जाओ, नंद के घर चले जाओ, अपने माँ बाप के घर चले जाओ, भाई भाभी के घर चले जाओ, वो आराम, वो कंफर्टेबल, वो एक अपनापन, वो सिर्फ अपने घर में आता है। अपना घर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, खुद का हो, रेंट का हो, कैसा भी हो, अपने घर में आता है भैया। मेरी तो यही फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है आप मुझे कमेंट में बताना। अपने हस्बैंड के घर से अच्छा कोई घर लगता है दुनिया में? नहीं लगता। चलो काम करती हूँ, आप मुझे कमेंट करना। आ जा साथ, गेट लगा, साइकिल ले लो, दोबारा साइकिल लेने पर ट्यूशन जाओगे? ठीक, चलो दोनों माँ बेटे तैयार हो गए, अब मम्मी के घर पे जा रहे हैं। नहावा के एकदम फ्री हो गए दोनों की दोनों, ऐसा हल्की हल्की धूप भी निकल रही है, पर ठंड बहुत है। आ जाओ। मैं बैठी हूँ फ्रेंड अभी दुकान में। आज दोपहर में क्या हुआ था, खाना खा के, खाना भी इतना सारा खा लिया था, मटर गरम गरम मटर पुलाव था, भरेमा बैगन थे, भरेमा मिर्चे थी, घी की रोटी थी, इतना सारा खाना खा के भाभी और मैं चले गए मार्केट, क्योंकि उनको कुछ काम था। मार्केट से आई, मार्केट से आने के बाद अम्मी सो रही थी, अम्मी लेटी थी साहिबा, मैं भी सो गई अम्मी के पास आके, तब से लेके मैं अभी उठी हूँ सो के। तो पापा चले गए मार्केट बाज़ार को दुकान का कुछ सामान लेने के लिए, तो अम्मी बोल रही है तो थोड़ा सा दुकान पर बैठ जा, मैं अभी खाना पका लेती हूँ। तो अम्मी देखती हूँ क्या कर रही हैं, रोटी बनाने खड़ी हुई अम्मी, रोटी बना रही है, ये देखो अम्मी रोटी बना रही है। तो मैं दुकान पे बैठ गई हूँ कि पापा को आने में टाइम लग जाएगा, जब तक आया अम्मी की रोटी बन जाएंगी। और आज अम्मी बना रही है मूंग मसूर की दाल, है ना अम्मी? चाय नहीं बनाई? तुमने भी नहीं पी? बता साहब, थोड़ी चाय बना ले, चाय का मन हो रहा है। और एक तो आंखों में इतनी प्रॉब्लम हो रही है अम्मी, इतना धुंधला नजर आ रहा है बहुत ज्यादा, समझ लो। हाँ ठीक है, आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एकदम पास का तो इतना तो मैं देख ही नहीं पा रही हूँ, एकदम धुंधला सा नजर आ रहा है, तो चश्मा लगाना पड़ेगा। कल संडे? हाँ नहीं, यही चलेंगे पास में। और एक तो क्या ना, एक बार रजाई में लेट गया ना मैं, इसी मारे लेटती नहीं हूँ रजाई में फ्रेंड। मैं अगर दोपहर में रजाई में लेट गई, रजाई कंबल में घुस गई, तो फिर भैया मेरे को बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा, और अभी इतनी ठंड लग रही है मेरे को। हाँ सो गई मैं, नींद आ गई मुझे रात में, असल में तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी, जुकाम सर्दी एलर्जी हो गई थी, उसकी वजह से रात में मैं जग गई थी, तो अभी सो गई। चलो भैया, दो दो तीन चाय, चाय साफ डंडा या, और ये रा पे आके डंडा, और या की दुबिंदी, बिंदी लगा सायरा, दुबिंदी लगा दी, ठीक है, और शायरा में ऊपर तीन बिंदी आई, तीन पे तो लगा शायरा। हाँ शायद ये तुम्हारा नाम है, क्या क्या लिखा आपने? लिखा ना शायरा, शायरा लिखा आपने? हाँ ऐसे नहीं बना, लॉन्ग में बना, उनकी तो सुन लो। फ्रेंड अम्मी साथ जा, फ्रेंड अम्मी है ना अपना नाम लिखना सीख रही है, उनको नाम लिखना नहीं आता है, तो वो पहले उन्होंने बहुत टाइम पहले नाम लिखना सीखा था, उर्दू में से सीख लिया था, काम चलाओ, लेकिन वो भूल गई तो बैंक में ना उनको प्रॉब्लम हो गई, कि जब बैंक में पैसा निकालने गई थी लास्ट टाइम, पापा का और अम्मी का जॉइंट अकाउंट है,
तो पापा ने अम्मी को बोल दिया कि जाके तू ना पैसा निकाल, पर्ची भर के पैसा निकाल लेना। तो मैंने पर्ची भर दी और अम्मी का सिग्नेचर कर, अम्मी ने अपना सिग्नेचर कर दिया। पर अम्मी ने सालों के बाद अपना सिग्नेचर करा ना, तो सिग्नेचर में डिफरेंस हो गया। मतलब पहले का सिग्नेचर अलग था, आपका अलग था, अम्मी कर नहीं पा रही थी तो वो कंप्यूटर में मैच नहीं हुआ। उसकी वजह से अम्मी को अम्मी खुद के पैसे ही बैंक ने नहीं दिए। तो मैं अम्मी को बोल रही हूँ अम्मी तो अपना हाथ साफ कर लो और सिग्नेचर एक से रखो। अम्मी क्या करती है, हर बार सिग्नेचर करती है, हर बार अम्मी के सिग्नेचर अलग हो जाते हैं। अभी अलग है, थोड़ी देर अलग है, फिर थोड़ी देर अलग है, ऐसे ऐसे उनके हरूफ ना, जो उर्दू के जो हरूफ होते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सिग्नेचर फिर अलग हो जाता है। तो वही मैं अम्मी से कह रही हूँ तो प्रैक्टिस करो, उससे क्या होगा ना, इनके सिग्नेचर सेम रहेंगे। तो रोज 10 नाम लिखो अपने, मतलब 10 बार अपना नाम लिखो। तो प्रैक्टिस से कहते हैं, प्रैक्टिस से सब कुछ ठीक हो ही जाता है। नाम को सुखड़ा क्यों रही हो, फैला कर लिखो, जगह की कोई क्या कमी है, सीन को थोड़ा फैलाओ, कोई टेंशन नहीं, जगह कम देंगे। हाँ सही है, या 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 को हल्का सा गोल कर दिया करो, हल्का सा गोल, रा लग रहा है तो रे, हाँ रे 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 को लगा रही, पहले या लगाओगी ना, एक मिनट हो जा। कॉपी कैसे पकड़ी है, ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, भी हो रही है ना। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ना, खुल के लिखो, एकदम से सुकड़ा के मत लिखो अपने नाम को। देखो ये अम्मी के नाम है, उर्दू में लिखने की कोशिश कर रही है। नहीं सही नहीं आ रहा, मैं पहले इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस की करो, सीन को मत लगाओ, सीन को तो लिखना तुमको आता। डंडा लगाओ, इस पे रा नंबर, रा पे, इस पे डंडा खाली रा पे लगाना है। हाँ गलत है, नहीं जी आगे तो ये डंडा ऐसा होगा। हाँ ये सही लिखा, ये सही है, ये गलत लिखा तुमने, तो कितना इजी है ये रहा। देखो पेन भी सही नहीं चल रहा, पेन सही चल रहा, देखो कितना इजी नाम है तुम्हारा, सबसे इजी नाम है तुम्हारा, देखो हेलो लिख लूंगी। हाँ ऐसा करके जी वाला नाम तुम्हारा सही है, कौन से लिखा मैंने, ये सही है, ये सही है, ऐसे लिखो। ये देखो पहले अम्मी इस तरह से लिख रही थी, इस तरह से, फिर लिखते 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 इस तरह से आ गई, फिर लिखते 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 इस तरह से आ गई। प्रैक्टिस से इनका नाम बिल्कुल सही लिख लेंगी तुम, प्रैक्टिस से। नाम आसान है इनका, सायरा, मेरा शायना, लेकिन बस प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रेंड, तो कोई भी चीज़ें एकदम तो नहीं आती है। प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है, प्रैक्टिस बनाने से खाना बनाना आता है, प्रैक्टिस बनाने से सब कुछ होता है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैं ही भूल गई तुम्हें सिखाते सकते, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। कौन सा लिखा तुमने, आ लिख दिया और आ लिख दिया, आ रहा, रा उल्टा लगा दिया तुमने। ये देखो आ है छोटा, ये चुपड़े तुम्हारे नाम में आ है नहीं, तुम्हारे नाम में सा ए रा लगे नहीं, लगे नहीं, हल्के से टच करना है, दो बार टच करना है। साथ की जूतों की आवाज साफ आ रही है, यह साहिबा खाना खा रही थी, वो भी ठंडा, मैं उसको बोल रही थी गरम करके खा ले। फ्रेंड अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।